वेलकम टू एम लेट्स चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइस अभी जो है वो मामा वगैरह कुछ कर रहे हैं बाहर लॉन में, तो चलते हैं और देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कुछ खाद के साथ ही कर रहे हैं, देखते हैं। ये पुदीना जो है वो नाराज है, वो अभी बढ़ने को तैयार नहीं। ये फिनाइल की बोतल को 101 दफा धो के उसमें डाला था, वो भी नाराज है। पता नहीं क्यों। कंपोस्ट बनाई है, किचन वेस्ट कंपोस्ट, ये देखें। तो ये इसकी जो रेसिपी है ना, मैं आपको बाद में डाल के बताऊंगी। किचन वेस्ट कंपोस्ट की बताऊंगी, लीव कंपोस्ट बताऊंगी और वर्मी कंपोस्ट बताऊंगी। तीन चीजें मैं आपको बताऊंगी और खुदा ने चाहा तो हम सभी को इससे फायदा, आप सबको भी फायदा होगा, मुझे भी बहुत होगा। ये देखिए बटरफ्लाई, मौसम अच्छा है ना तो इसलिए बटरफ्लाई आता है। पहले पौधा पकड़ूंगी, पहले मुझे पौधे की टहनियां पकड़ देंगे। ये देखिए क्या हो रहा है, ये इधर से दो, इधर से ये देखिए। मैं बता एक, ओ भाई तुम बेटे खेज ना, ये भी कई पत्ते टूट जाएंगे जो कई अच्छे में बड़े हैं। और टहनियां साथ लो, ऊपर ऊपर करते जाओ, नीचे वाली टहनियों को अंदर करो, नीचे जो टहनियां हैं। अच्छा बुद्धा मैं मिलने जा रही नहीं अपने जे भी काम करते हुए करो करो। और बारिश हो गई है बहुत ज्यादा, और इसकी जो मिट्टी है ना वो बेचारी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हो गई है परेशान। इसमें क्या लगा हुआ था? ये लगा था एक सीजनल फ्लावर थे, ये मैंने पहले से बना के रखी हुई है। ये देखो शाजिया इधर आके देखो, ये इसका अजवाइन, ये क्या लग रहा है? ये बेटे वो वहां से मैं बच्चा लेके आई हूँ। ये इसमें मिट्टी भी मैंने चेंज कर दी है, ठीक है। ये तुम इसको दबाना इस तरह, और भी गमले दो छोटे छोटे, मैं उसमें ये फूल ले और ना ये इसमें लगा दूं। इनको पानी नहीं चाहिए, इसको प्रेस कर दो, ये बेकार मिट्टी है। पानी नहीं देते इसको? देते हैं, कभी कभी देते हैं। तमाम चीजें डाल के इसमें रखी हुई है, बहुत बच्चे उगे हुए हैं। ये जो है ये अपने घर की कंपोस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर ये लगाया है। अभी जो है वो आपको किसी दिन कंपोस्ट बनाना मामा कह रही थी, वो दिखाएंगे। ये मेहनत मजदूरी वाले लोग दोनों पकड़ा दो, हाथ दिखाओ। ये किसान के हाथ है, किसान हमारे मुल्क का जो किसान है ना, नहीं मैं सच कह रही हूँ, वो काला भी दो, उनकी उनकी ना कदर वो देना बेटा, उनकी कदर करनी सीखे। अपना दिन रात पसीना कैसे वो दिन रात एक कर देते हैं, और फिर जाके वो कहीं हमें खाने को रोटी मिलती है। अपने बच्चों को बताएं, अपने घरों में बताएं कि रोटी को जाया ना करें। बहुत बहुत जो है ना मेहनत के बाद ये सब कुछ किसान हमें देता है, किसानों के हकूक को जानना। ये छोटा सी बगिया, छोटा सा लॉन मेंटेन रखना इतना मुश्किल है, और कहाँ इतनी कौम को खिलाना। छोटी सी बात नहीं है, बड़े हौसले की बात है, हिम्मत की बात है, ताकत की बात है। उनको अंडर एस्टिमेट ना करें, किसानों को ये ना समझें कि उन्होंने ये नहीं करना तो क्या करना, वो ये नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। वो बेटा वो कोना दिखाओ, वो येलो लीफ निकले दिखाते। ये जो मेरा नवासा है ना, ये अभी किसान बना नहीं है, अभी अंदर प्रोसेस है। और बेटे इसको वहां रखना जहां इसमें पानी ना डले,
हम अपनी मर्जी। कैसे हैं आपके विचार? इधर इधर बहुत अच्छे। नानू की बात कुछ नहीं, वो शादी को कह रही थी। दबा के देना बेटा, नहीं तो एयर आ जाएगी। जाना कहीं नहीं आपने। इसको एक पर्दा डाल के देखो, एक पर्दा डालो उसके ऊपर। इसको रोकना पड़ता है चीजों में। एक पर्दा डालो कार के ऊपर, वरना गायब हो जाता है। मुझसे आपने परमिशन लिए बगैर इधर से उधर नहीं होना। डालो डालो हल्का हो गया। हेलो हेलो हेलो, जी गाइस, तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दे और बेल आइकन भी जरूर दबा दे। पीछे जो है वो आपको हमारे नजर आ रही होंगी काम करती हुई, क्योंकि वो अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन जो है वो मैं आ गई हूँ अंदर। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों को गार्डनिंग पसंद है कि नहीं। ओके, खुदा हाफिज़।